तो फाइनली गाइस देख लिया हमने भी आज ताजमहल, और आपको भी दिखा दिया क्या गजब लग रहा है, वाइट वाइट संगमरमर संगमरमर। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जो देख रहे हो, कल हम आए थे अपने होटल रूम में और आज हमारे को चेकआउट करना है 12 बजे तक या फिर 12 बजे से पहले। तो हमारे को अपनी रूम से जो डेस्टिनेशन पे हम आगरा क्यों आए थे आज आपको पता लग जाएगा, अक्सर तो आपको भी पता लग गया होगा। आगरा ताजमहल घूमने आए थे ये भाई, तो हमारे यही पता है बहुत बढ़िया सोया रात को, कभी कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा। और अभी चलते हैं, चाय मंगाई है, चाय पीते हैं, फ्रेश व्रेश तो मैं होया है इसकी पता नहीं, फ्रेश व्रेश तो होया है, फ़ोन चला रहा बस भैया, फ्रेश व्रेश हो गया कोई नहीं बात, ब्रश व्रश हो जाते हैं, मैं तो आया ब्रश करते हैं, चाय आ रही है, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, धोते और चलते हैं आपको लेके आगे। तो चाय वाय पी के हो चुके रेडी, बस अभी जा रहा है, ये जाएगा गर्म पानी के लिए बात करने, और मैं भी जाता हूँ नहा के आता हूँ, और नहाने के बाद आपको मिलते हैं सीधा डायरेक्ट। और चाय वाय तो हमने पी लिया, देख तुम्हारे को दिखाया नहीं यार, ये हमारा डिसेंट सा रूम है एंकर, ये डिसेंट सा है, बस वाईफाई फ्री मिल रहा है, ये सुविधा है, वाईफाई फ्री है और सुविधा है। और ये स्कैन कर, जो सामने क्यू आर है ना, इसको स्कैन करके आप टीवी भी चला, लेकिन ये 90s का टीवी तो पता नहीं चलेगा भी। ये हमारा लगेज है गाइस, तो ये हमारा साबुन मिला नेक्सा सा, वो भी डक का, डव नहीं डक। होटल वालों कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम थोड़ी तो वो दे दो, और सारा बोतल इन्होंने दी 30 रुपये की, जो कि 20 की आती है। आ गया ओके जी, ओके आ गया गर्म पानी। सो गाइस, हो चुके हैं नहा धो के रेडी, बिल्कुल आउटफिट चेंज, बताना कैसा लग रहा हूँ, ऑल ब्लैक है, ऊपर ये जैकेट टी शर्ट सी है गर्म वाली, नीचे ब्लैक पैंट हो गई, और शूज और सॉक्स, और अभी अपना नहा रहा वो नहा धो के, और फिर चलते हैं जल्दी से और आपको भी दिखाते हैं। तो आपने वैसे देखा ही होगा ताजमहल, हम तो पहली बार आए हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ भी बोले जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है देखते हैं आगे के सीन। इनका मेन्यू कार्ड है, खाना बहुत महंगा यार, हमारे बजट में नहीं है। मसाला रोटी 14 रुपये की, तवा रोटी 9, तवा रोटी सादा 7 रुपये की, इतना महंगा, बाहर खा लेंगे हम तो ठेले पे, इससे बढ़िया वहाँ का जो खाना स्वाद होता है, कौन बोलता है बेकार होता है, वरना ढाबा तो है यहाँ पे। देखते हैं जल्दी से ना कि आ जाए, निकलते हैं और आगे किसी दिन देखते हैं, आगे देखते हैं हम, या तो घर जाते हैं आज के दिन ही, आज के दिन देखते हैं, वरना कल जाएंगे, क्योंकि आज हमारे को मथुरा भी जाना है, बाकी बिहारी के दर्शन करने, अगर होता है पॉसिबल तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस कर रहे हैं अभी चेकआउट, बिल्कुल सारा सामान देख लिया, कुछ रह तो नहीं रहा ना भाई, सब कुछ देख लिया अपना, बस चेकआउट कर रहे हैं। टाइम हो रहा है हमारा 11:38, 12 बजे का चेकआउट था, अभी देखते हैं कैसे जाते हैं, और हमें कोर्स ऐसे मथुरा भी जाना है, मथुरा आपको चल के दिखाते हैं और बाकी भी हरी जी के दर्शन कराते हैं अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि ट्रेन में या बस बस मिल गई तो, और फिर आपको आगे लेके चलते हैं। चलो फिर जल्दी चलते हैं, लेट भी हो रहे हैं क्योंकि पूछना भी है, तो मिलते हैं आपसे आगे। ये हमारा कुछ होटल था, होटल मारवाड़ी, हमने चेकआउट कर दिया है, और ये हमारा मंदिर है, इसमें हमने दर्शन किए थे। तो अभी चल रहे हैं रोड पे और आपको आगे चल के दिखाते हैं, जैसे भी होता है पता नहीं ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर कैसे बस में जाते हैं, बंदर बहुत हैं यहाँ पे, हर जगह बंदर ही बंदर है, डर के चलना है, अभी तो ज़्यादा टोपी ले जाए मेरी, क्योंकि फोन भी छीन लेते हैं, टोपी भी ले जाते हैं बंदर, इतने हरामी हैं आके। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं जो भी सीन होते हैं, ओके गड्ढे बहुत हैं। यहाँ की मेन मार्केट है, जो है बिल्कुल मेन मार्केट में था हमारा, ऐसा आप जैसा कि देख रहे होंगे वो सामने हमारे को दिख रही है जामा मस्जिद आगरा की। गाइस वो पीछे दिख रहा होगा लाल किला आगरा का, वो पीछे आगरा का दिखा होगा, तो ये गाइस लाल किला सा अपने दिल्ली का लाल किला, लाल किला हाँ लाल किला, ये पता नहीं आगरा का लाल किला है, और ये हम चल रहे हैं बीच रोड पे, अभी आपको वाइड एंगल में ये हम आ चुके हैं अपना लाल किला, जो भी है सिस्टम अपना, और क्या बताऊँ, अंदर चल के देखते हैं अपना क्या है सिस्टम, तू तो आया हुआ है तेरे को बता कुछ इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, गलत आ गए, चलो कोई बात नहीं, अंदर चल के चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको।
भीड़ चेक कर रहे हो गाइस आप, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है उधर पता नहीं। हाँ उधर टिकट काउंटर है, इससे भी हम अगर टिकट बुक कर सकते हैं स्कैन करके तो जा रहे हैं। ये हमारा भाई, अरे यार यहाँ पे एंकर होता लॉकर रूम, उसमें फुल हो गया, हाउसफुल है। अब अंदर पैसे देने पड़ेंगे बैग रखने के। हमारे पे मिली वैन जिसमें बैठ के जाते हैं लोग बाग, हम तो पैदल ही जाएंगे, पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा यार। थक गया मैं तो पैदल चल चल कर, कितना लंबा है और बस थोड़ा सा 2-4 मिनट की दूरी है। चल देखते हैं कितनी दूर और जाना पड़ता है। गाइस अभी 2 घंटे के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद एंटर हो रहे हैं। अभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। अबे कौन सी उस वाले में से नहीं आ सकते, उस वाले में से इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी भी दिमाग ख़राब हो गया, 1.5 घंटे से ट्राई कर रहे टिकट हो जाए टिकट हो जाए टिकट हो जाए। तो ये गाइस यहाँ का टोकन काउंटर है, ऐसा ये डंडा सा है, वो डंडे को स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। कर ली हमने लक्ष्मण रेखा पार। अबे यार अब यहाँ सिक्योरिटी चेक होगा, बारिश हो रही है। गाइस मौसम ने भी साथ छोड़ दिया, बारिश हो गई। वो पीछे का व्यू भाई बच गया। ये हमारा गेट आ गया बड़ा सा, पता नहीं अंदर कितना जाना पड़ेगा ताजमहल देखने के लिए। अब ये गाइस ग्रीन जी चेक कर रहे हो, क्या मज़ेदार लग रहा है। वो पीछे उसका लाल किला सा, लाल मलाल, ये पता नहीं क्या है, ये भी बहुत बड़ा सा है, बढ़िया लग रहा है एकदम। 2.5 घंटे की टॉप पे, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद टिकट बुक हुई भयंकर। 1.5-2 घंटे ऑनलाइन में मरा है, 1/2 घंटा धक्के में लगा मराया, फिर उसके बाद पहुँचे इस जगह पे। अब बारिश हो गई, बारिश ने मूड ख़राब कर दिया। देख रहे हो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज हमारे को, वरना कभी नहीं किया इतना स्ट्रगल मैंने आज आपको दिखाने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो गाइस अभी इसके अंदर चलते हैं और आगे चल के आपको सीधा ताजमहल पर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस देख लिया हमने भी आज ताजमहल और आपको भी दिखा दिया, क्या गजब लग रहा है। वाइट वाइट संगमरमर संगमरमर ये जूम करके क्राउड देख रहे हो कितनी आज भीड़ी भीड़। संडे है ना इसलिए अभी वहीं चल के मिलते हैं आपको सीधा। ऊपर की साइड जा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, उसके भी एक्स्ट्रा पैसे यार, बहुत पैसे खमा रहे हैं। तो अबे यार ब्लॉग बन रहा है तेरा, वीडियो बन रही। तो गाइस अपने पीछे हो रहा आज मैं, अरे फोकस हो जा, मैं कल आ रहा हूँ लेकर। उधर की साइड तो गाइस ऐसा बना रखा है जैसे कि कुतुब मीनार का नहीं था, जो कुतुब मीनार की साइड में साइड दरवाजे से है, इधर से रास्ता जाने का संभल के करना पड़ेगा। तो गाइस देख लो बिल्कुल पास से, ये हमारा ताजमहल आ गया पूरा। ऊपर जाने के भाई टिकट लगेगी साइड से इसकी, इसके स्तंभ से आ गए, वो उधर की साइड भी मकबरा आ गया, यहाँ पे ये पार्क टाइप से आ गया, इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उधर की साइड भी है, ये है क्या, इधर की साइड ये भी मकबरा आ गया, वो सामने मकबरा आ गया, ये पब्लिक आ गई। ये यहाँ पे बीच में पानी नहीं था तो उन्होंने नीला पेंटिंग कर दिया। ठीक सामने हमारा ताजमहल, ऊपर तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर टिकट प्राइस भी है और हमारे को टाइम भी है और हमारी ट्रेन भी है 5 बजे की और अराउंड अभी 3 बज गए हैं। यहाँ से निकलना है, फिर वहाँ पे चेक होटल भी जाना है, होटल से अपना सामान उठाना और जो रह गया है फिर वहाँ से घर चलना है। और शायद से मथुरा जाएँ या ना जाएँ अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं अगर ट्रेन हुई मथुरा जाने के लिए तो मथुरा भी जाएँगे और आपको भी दिखाएँगे आगे के जो सीन होते हैं। तो गाइस आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये हमारा ताजमहल
किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था और मुमताज़ की याद में बनवाया था। 1628 से लेकर 1652 के बीच में शासन किया था। इसमें ये 42 एकड़ में फैला हुआ है और स्क्वायर फीट से मेरे को कुछ पता नहीं, इतनी मेरे को नॉलेज थी। और मुमताज़ के लिए बनवाया था, आपको बता दिया, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसमें मस्जिद भी है। और तो टाइप मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं, जो जो मैंने आपको दिखा दिया आप वो देख लेना। उधर की साइड से यमुना तट है, उधर की साइड अभी चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। और आपको मैंने पूरा टूर दे दिया इसके बारे में और आपको थोड़ा बहुत बता दिया। और ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, बस ये है वाइट मार्बल का है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और कुछ और तो बोलना भाई, इससे भाई यहाँ पे आओ जे ना, इज्जत बड़ी महंगी हुई जाओ जे, सच्चा ऑनलाइन आधा घंटा बेचक लाइन में लग के ले लो। ऑनलाइन पढ़ोगे ना, अगर तुम्हारे पे ऑनलाइन सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना तो साला बहुत दिक्कत है। हमारे पास ऑनलाइन था बट पेटीएम नहीं था हम पे, और बैंक अकाउंट से ले नहीं रहा। ये 1.5-2 घंटे बर्बाद हुए और अब बारिश भी हो रही है, घर भी जाना है, ट्रेन भी है, ट्रेन भी बुक करनी है। सब में बड़ी दिक्कत ट्रेन की, साला ट्रेन कोई बुक नहीं, मतलब कि ट्रेन कोई है नहीं घर जाने के लिए, सारी आउट ऑफ वो है, नॉट अवेलेबल है, कोई स्लीपर में नहीं है, बस एक है नई दिल्ली तक की, वो है वंदे भारत, वो अफोर्डेबल नहीं है हमारे पास इतना। एक ही बंदा दिल्ली जाने का, ट्रेन से जाएंगे, देखते हैं पहले यहाँ से, अगर मथुरा जाना होगा मथुरा, वरना पहले यहाँ से कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत जोर की। सुबह चाय नाश्ता किया था और थोड़ा सा बाहर खा गया था थोड़ा सा, और अभी चलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो ताजमहल है, अभी यहाँ से निकलते हैं और बारिश भी स्टार्ट हो रही है, तो बाहर जाके आपको मिलेंगे। जो मैंने देखा और मैंने आपको दिखाया वही था, और तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अभी आए थे पीछे की बैक साइड पर ताजमहल की, ये पूरा ताजमहल पीछे वाला जो है सब में आगा, ये हमारी साइड से यमुना में ही है शायद से, मेरे को अंदाज़ा नहीं है। यमुना देखने से तो नाला सा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मिट्टी मिट्टी और काला पानी है, शायद से इसका वहीं पर जाता दी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद से अभी बना दी के या फिर अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और वो हमारी मस्जिद है उधर की साइड, शायद से हमारी बहना है, हमारी नहीं मतलब कि ताजमहल की मस्जिद जो होती है। और उधर तो देखो गाइस फॉग ही फॉग है, धुंध हो रही है। फिर हमने भी ताजमहल छू दिया है, वो ऊंचा नीचा वह भैया गिरते हैं। तो हमारा भाई ये कह रहा है कि ये इसका ये वाला साइड जो है ये है इसका फ्रंट है ना, यही है ना। मैंने तो ऐसी सुना है ये फ्रंट है, यहाँ से वो आता था राजा हमारा, यहाँ से होते हुए तो सीरे वीडियो होती हुई थी उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ से अंदर आते उधर ऊपर थी। अच्छा, तो ट्रेन बनते हुए ताजमहल देखा है, ताजमहल की यादें नहीं बनाते जा रहे भाई। ये गाइस इसकी राइट साइड आ गई, और तो कुछ है नहीं, बस आपको आपको ना अब सीधा घर जाके, ओ जहाँ पे भी हम जाएंगे तो आपको अपडेट कर देंगे। पहले खाना खाएंगे फिर आपको अपडेट कर देंगे जो भी होगा। तो फाइनली गाइस हमने भी पूरा ताजमहल कवर कर लिया, देख लिया और आपको भी दिखा दिया। कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताना इसमें, और हमने क्या नहीं दिखाया वो बताना। वैसे हमने सारे ही कवर किया, सब कुछ दिखा दिया। इधर की साइड ये लोग अंग्रेज लोग खड़े हैं, इनके गाइड, ये इतने लंबे लंबे, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। और अभी हम चलते हैं बाहर। फरीदाबाद तक है, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बैठ सकेंगे। जल्दी जल्दी कुछ 8:30 जैसे तैसे करके जनरल कोच में बैठ के कभी भी आओ तो हमेशा आने जाने की टिकट बुक करा के आना, हमारे तरह मत आना कि जाने जाने की करा ली, आने की नहीं करा ली। बड़ी दिक्कत होती है, आज पहले भी दिक्कत झेल चुके हैं लेकिन आज फिर दोबारा हुई। बहुत सारे उड़ गए मेरे, मैंने इतना करंट जमा कर लिया,
सर बस ट्रेन आ रही है, जिससे ट्रेन आ रही है, बस थोड़ी सी दूर हो रहे हैं घर, और आपको आगे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपना निजामुद्दीन स्टेशन निजामुद्दीन, और जो कि हम बिल्कुल इतने रिक्स पे आए, कलेजा सर हाथ पर रख के आए, विंड टिकट के आए, और बड़े अटल लग रहा था साला, जंगल डब्बे में तो हालत ही खराब हो गई, लेकिन अच्छे से पहुंच गए अपना निजामुद्दीन। बड़ी खुशी हो रही है, पैसे बच गए, जो हमारे को बस पड़ रही थी 800 रुपये पर दो बंदों की, इसने पैसे बचवा दिए हमारे को, लेकिन पैसे बचवा दिए लेकिन ज़िंदगी ख़राब करा दी मैं जंगल डब्बे में लेके आके। सही बताऊँ तो अब चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और आपको घर मिलते हैं सीधा। तो गाइस पहुँच चुके हैं सराय कालेखा के मेट्रो स्टेशन, जो कहाँ गया तेरे को नहीं देखना, ये देखो आपने पहले तो देख ही रखा होगा जब मैं पहले भी आया हूँ कई बार, बड़ा अच्छा सा लग रहा है अपना दिल्ली में आके। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं घर, और जैसे तैसे करके घर आ गए हम, और अभी आए हैं जस्ट बिल्कुल अभी, और हम अपने विनायक भाई को बाय कहते हैं, बाय बाय वीरे, कल मिलते हैं सुबह, वीडियो का आदान प्रदान कर देना सी, हो जाएगा फोटो आदान प्रदान, वो दिल पे रहते, चलो खाना वाना खाओ, आराम करो, चल चल के तो पैर टूट ही गए भाई, पैसे बचा लिए पैसे बचा लिए, वो आपको ना हम कल बताएंगे, कल के ब्लॉग में बताएंगे जो भी हम जैसे कैसे बचे वो हम कल के ब्लॉग में बताएंगे, और मिलते हैं सुबह, बाय बाय। तो वेलकम बैक गाइस, जैसा कि कल आपने देखा था हम घर पहुंच गए थे, और फिर उसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई थी और आगे कंटिन्यू करने के ब्लॉग, तो आए अपना बैग में से सामान निकाला, लास्ट खाना खाया रात का, और जाते ही सो गए, फिर अब सुबह शूट कर रहा हूँ। इसमें आपको सीरीज में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा बताना कमेंट में, शेयर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना। कल का व्लॉग इंटरेस्टिंग आने वाला, दिल्ली का एक हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे क्या सच्ची में हॉन्टेड प्लेस है या नहीं है। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।